फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की पूरी। और ये पालक हमने अच्छे से धुल के साफ कर लिया है, बिल्कुल क्लीन कर लिया है हमने पालक को अच्छे से। और अब मैं इसको उबाल लेती हूँ थोड़ा सा। इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी मुझे थोड़ा ही डालना है, जरूरी नहीं है कि पालक से ऊपर तक पानी हो, क्योंकि मुझे इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है। और ये इसको कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कवर करूंगी ये अपने आप ही गल जाएगा। कर देती हूँ कवर। पालक की पूरी की मसाले की तैयारी करती हूँ। ये ले लिए है हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और धनिया है ये खड़ा धनिया है, 3 हरी मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है, और ये सौंफ है, और ये लहसुन की थोड़ी सी कलियां है, और कर्ड है, दही है। इसको सब मैं डाल देती हूँ मिक्सी ग्राइंडर में। हमने ले लिया है 2 चम्मच दही। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, और इसमें से आप चाहे तो चटनी के लिए भी रख सकते हैं, इतना अच्छा बना है ये। ये पालक उबल गया है, ठंडे पानी में डालेंगे तो आपका पालक का जो कलर है ना बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। और तो आपकी जैसी मर्जी हो आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सेम जार हमने यूज़ किया है, और आप ये थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद में पीस के तैयार कर लूँगी। 2 कप हमने आटा ले लिया है, और मैं थोड़े से डालनी है सूजी, नमक, सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हमारे क्रश किया हुआ है अजवाइन, थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेती हूँ, जो हमने मसाले तैयार करके रखा था। इसमें हमने थोड़ा सा पानी में ऐड कर दिया है, और इसमें मैं आटे में डाल देती हूँ। आटा हमने सान लिया है, हमने थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड किया है, 2-3 चम्मच हमने पानी इसमें ऐड किया आटे में, और आटा हमारा बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा लग के रेडी है। और मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि हमने सूजी जो दिया है वो सूजी थोड़ा सा फूल जाए। हमने इसको ढक दिया था, अब मैं इसे हटा लेती हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ पूरी। एक कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिया है। ये पालक की जो पूड़ियाँ होती है फ्रेंड, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत तरह से ये बनता है, मिल जाता है सारा चीज़। ये नहीं है कि आज ये नहीं है तो कैसे बनाएं हम, बस हमें सिर्फ पालक लाना होता है, और बाकी चीज़ तो हमारे घर में आजकल आसानी से मिलता ही है और रहता ही है, सब लोग रखते हैं घर में। और ये देखिए हमारी पालक की पूड़ियाँ बन के बिल्कुल रेडी है, पालक पूरी बन के बिल्कुल रेडी है। और ये हमारा टमाटो सॉस और ये चटनी जो हमने पूड़ियों में मिलाई थी, थोड़ी सी हमने ये चटनी बचाई थी। तो ये रही हमारी रेसिपी बनके रेडी है, पालक पूरी रेसिपी।
और यदि ये अच्छा लगे हमारी रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।